नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। एक तो दिल्ली का प्रदूषण और उसके बाद केजरीवाल सरकार के दिल्ली के सत्ता में आने के बाद से ऑड इवन स्कीम, ये दो मुद्दे जब उठते हैं बहुत ही जोर शोर से उठते हैं। अब दिल्ली में जब जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर से ऑड इवन लागू करने का फैसला लिया है। शायद इसके जरिए वो दिल्ली में प्रदूषण कम करना चाहते हैं। खैर, इससे इस दम घोटू प्रदूषण पर क्या फर्क पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन केजरीवाल सरकार तीसरी बार इस कोशिश को कर जरूर रही है जो कि सोमवार यानी कि 4 नवंबर से दिल्ली में लागू होने जा रहा है और 15 नवंबर तक लागू रहेगा। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या है ये दिल्ली सरकार का ऑड इवन फॉर्मूला। इसका मतलब है कि ऑड नंबर वाली तारीख में जैसे 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को सिर्फ वही गाड़ियां चलाई जा सकेंगी जिनके गाड़ी के नंबर ऑड डिजिट्स पर ही खत्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इवन डेट्स की, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 इन तारीखों में वही गाड़ियां सड़कों पर चला सकेंगे जिनके आखिरी डिजिट्स इवन नंबर हो। अब आपको बताते हैं उन रूल्स के बारे में जो इसके अलावा 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में फॉलो किए जाने हैं। साथ ही इन नियमों से पिछले ऑड इवन से इस बार के ऑड इवन का अंतर भी काफी हद तक आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो सीएनजी वाहनों को नहीं दी गई है छूट, क्योंकि सीएनजी स्टिकर्स का होता है गलत इस्तेमाल। फाइन को भी किया गया डबल, 2000 नहीं 4000 रुपए लगेगा जुर्माना। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा ऑड इवन। संडे को नहीं होगा ऑड इवन। प्राइवेट पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को छूट नहीं। दिल्ली सीएम और मंत्री भी ऑड इवन में शामिल। टू व्हीलर्स को ऑड इवन से मिली है छूट। सभी महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी छूट। दिव्यांगों को ऑड इवन से मिली है छूट। दिल्ली आने वाले दूसरे राज्यों की गाड़ियों को भी मानना होगा ऑड इवन। ऐप बेस्ड कैब पर ऑड इवन नहीं होगा लागू। ऐप बेस्ड कैब को किराया न बढ़ाने का भी निर्देश। हॉस्पिटल जाने वाले पेशेंट्स को भरोसे के आधार पर मिली है छूट। बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने पर भी मिली है छूट, वो भी भरोसे के आधार पर। अब आपको उन अधिकारियों के बारे में बताते हैं जिनके लिए ऑड इवन को मानना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को मिली है छूट। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज को भी छूट। यूपीएससी के चेयरमैन, लोकायुक्त, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर को भी मिली है छूट। पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के एलजी और अन्य राज्यों के राज्यपालों को भी छूट। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मिली है छूट, लेकिन दिल्ली के सीएम को छूट नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर और अन्य गाड़ियां भी ऑड इवन के दायरे में नहीं आएंगी। ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट विंग की गाड़ियों को भी छूट मिली है। एम्बुलेंस, फायर टेंडर, जेल वाहन, एम्बेसी की गाड़ियों को भी छूट मिली है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के वाहन भी ऑड इवन के दायरे से बाहर होंगे। वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात जवानों के एस्कॉर्ट व्हीकल्स को भी छूट मिली है। अब इस खबर को देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपके मन में सोमवार से लागू होने वाले ऑड इवन को लेकर कोई डाउट्स रह गए होंगे, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी इसको लेकर कोई डाउट है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। हम तो बस यही कहेंगे कि कैसे भी सही, चाहे ऑड इवन के जरिए या फिर किसी और तरह से, जो सबसे जरूरी बात है वो पर्यावरण को बचाना है। फिलहाल तो दिल्ली के जैसे हालात हैं उससे हवा सिर्फ जानलेवा नजर आ रही है। अब तो 15 नवंबर को ही पता चलेगा कि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को और दिल्ली की हवा को इस ऑड इवन का कोई फायदा हुआ भी या नहीं।